हमारी एक यहाँ पर लोगों की टूरिज्म सर्किट्स की बात है। चाहे आप देखेंगे कि आज की डेट में वैष्णो देवी में 1 करोड़ विजिटर्स आते हैं। हमारा एक यहाँ पर रहा है कि हम पटनी टॉप, पंचेरी, भदरवा, किश्तवाड़, सत्थल, इन एरिया लोकल टूरिज्म को हम बूस्ट अप करें। जैसे सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बात की गई, नालंदा यूनिवर्सिटी के अपग्रेडेशन के बारे में बात की। हमारी अपेक्षा थी कि जम्मू के टूरिज्म के बारे में भी कुछ सरकार बात करती, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमने दिए हैं काफ़ी उनको, तो उसके बारे में नहीं बात की गई। क्योंकि स्पेसिफिक बात यह है कि अगर आपको बूस्ट अप करना है जम्मू का टूरिज्म, आपको रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें हैं जो बेसिक आपको, और एलोकेशन दे भी आता है, और वो ज़्यादातर 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम रहता है। अगर हम किसी तरीके से उनको 2 दिन और ठहरा लें यहाँ पर, और हम उनको एक उनका ऐसा ट्रिप बना दें कि वो पटनी टॉप भी, और पैकेज बना दें कि वो पटनी टॉप भी और पंचेरी और ऐसे भदरवा जैसे, क्योंकि देखिए ये सारी जो ब्यूटीज हैं ये इनको अनएक्सप्लोर्ड हैं, और स्नो कैप माउंटेन्स, ओपन मीडोज, गुड वेदर कंडीशन, सब कुछ है वहाँ पर। बट वहाँ पर लैक क्या करता है, वहाँ पर लैक करता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइवेट अच्छे होटल्स नहीं हैं, 5 स्टार नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है। यही चीज़ें सरकार को काम करनी थी ताकि टूरिज्म पूरा इकोसिस्टम काम करे हमारा और उसको बढ़ावा मिले। मैं वो सेम ही रखी है एमएसएमई के लिए, ज़रूर जो 100 करोड़ की कैपिंग का उन्होंने जो जो अपना लोन जो है कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है, मुद्रा लोन की जो 10 लाख से 20 लाख बढ़ाई गई है, स्लैब किया है, और उसके अलावा जो 1 करोड़ इंटर्नशिप्स देने का है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार 3.0 का यूनियन बजट देश की वित्त मंत्री ने आज पेश किया, लेकिन जो तमाम व्यापारी वर्ग है उनको किस तरह से उम्मीदें थी, और क्या ये उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है या नहीं है? शिवांग जी मेरे साथ है, क्या उम्मीदों से भरा हुआ बजट है ये? देखिए मैम, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक बैलेंस बजट निकाला है। ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जो हमारे जम्मू के व्यापारी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो उनका एक सबसे मेन इशू था कि NCSS की जो स्कीम है 30 सितंबर तक वो लागू है, तो हमारा था कि उसके एक्सटेंशन के बारे में सरकार कोई अनाउंसमेंट करती है, उसकी जो बजटरी एलोकेशन है उसके बारे में बात करती है, बस उसके बारे में नहीं बात की गई। फिर हमारी एक यहाँ पर लोगों की टूरिज्म सर्किट्स की बात है। चाहे आप देखेंगे कि आज की डेट में वैष्णो देवी में 1 करोड़ विजिटर्स आते हैं, हमारा एक यहाँ पर रहा है कि हम पटनी टॉप, पंचेरी, भदरवा, किश्तवाड़, सत्थल, इन एरिया लोकल टूरिज्म को हम बूस्ट अप करें। जैसे सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बात की गई, नालंदा यूनिवर्सिटी के अपग्रेडेशन की बात की। हमारी अपेक्षा थी कि जम्मू के टूरिज्म के बारे में भी कुछ सरकार बात करती, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमने दिए हैं काफ़ी उनको, तो उसके बारे में नहीं बात की गई। क्योंकि स्पेसिफिक बात यह है कि अगर आपको बूस्ट अप करना है जम्मू का टूरिज्म, आपको रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें हैं जो बेसिक आपको, और एलोकेशन। टूरिज्म से इकोनॉमी कितनी बूस्ट होने वाली है? देखिए आपको मैं उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 लाख करोड़ अपना जो अपना हमारा सॉरी 1 लाख करोड़ नहीं, हमारा 1 करोड़ विजिटर्स हमारा वैष्णो देवी आता है, और वो ज़्यादातर 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम रहता है। अगर हम किसी तरीके से उनको 2 दिन और ठहरा लें यहाँ पर, और हम उनको एक उनका ऐसा ट्रिप बना दें कि वो पटनी टॉप भी और पैकेज बना दें कि वो पटनी टॉप भी और पंचेरी और ऐसे भदरवा जैसे, क्योंकि देखिए ये सारी जो ब्यूटीज हैं ये इनको अनएक्सप्लोर्ड हैं, और स्नो कैप माउंटेन्स, ओपन मीडोज, गुड वेदर कंडीशन, सब कुछ है वहाँ पर। बट वहाँ पर लैक क्या करता है, वहाँ पर लैक करता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइवेट अच्छे होटल्स नहीं हैं, 5 स्टार नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है। यही चीज़ें सरकार को काम करनी थी ताकि टूरिज्म पूरा इकोसिस्टम काम करे हमारा और उसको बढ़ावा मिले। बिजनेस क्लास के लिए कितना महत्वपूर्ण था? देखिए बिजनेस क्लास की मैं अगर बात करूं, अगर पर्सनल टैक्स रिजीम की बात करें, लगभग सरकार ने वो सेम ही रखी है। एमएसएमई के लिए ज़रूर जो 100 करोड़ की कैपिंग का उन्होंने जो जो अपना लोन जो है कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है, मुद्रा लोन की जो 10 लाख से 20 लाख बढ़ाई गई है, स्लैब किया है, और उसके अलावा जो 1 करोड़ इंटर्नशिप्स देने का है। मैं समझता हूँ कि जम्मू के यूथ को वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी लैक करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो MNCs में उन्होंने बोला है कि हम उनको इंटर्नशिप देंगे, मैं समझता हूँ उससे लोग अपने व्यवसाय भी लगाएंगे और आगे एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक स्वाद लेंगे। 10 में से कितने नंबर देने वाले इस पूरे बजट? देखिए ब्रॉडली अगर हम समझे MSMEs को रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जिस्टिंग जो हमारे जम्मू की जो लघु उद्योग है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके संदर्भ में मैं 5 नंबर दूंगा 10 में से। बट मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में और भी अपेक्षाएं हमारी हैं सरकार से, मैं भी अनाउंस करेंगे। बट आज आपने देखा, नोटिस किया कि बजट काफ़ी कंसाइज था, काफ़ी टाइम बाउंड बजट था। बट आपने देखा है कि पहले बजट जो पेश किए गए हैं वो काफ़ी इलॉन्गेटेड बजट्स होते हैं, उसमें काफ़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं। सरकार ने बहुत ही एक कंसाइज स्पीच में इसको रखा है, तो मैं समझता हूँ कि और भी आने वाले जो प्रोविजन हैं वो अनाउंस करेंगे ज़रूर। देखिए साफ तौर पर ये बजट जो है उम्मीदों से भरा हुआ बजट है, लेकिन 10 में से 5 नंबर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यहाँ पर शिवांगी देते हुए नजर आ रहे हैं।